हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे चैनल पीवीआर शिडी पे। देखिए मित्रों, हमारी जो है खंड शिक्षा अधिकारी या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या फिर यूपी पीसीएस 2020 की टेस्ट सीरीज चल रही थी। तो आज की श्रृंखला में हम हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे, हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट को बिना टाइम गंवाए हुए। आइए पहले क्वेश्चन पर देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए, वही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, वही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। आपके सामने ऑप्शन है, वही शब्द चावल, वही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है दोस्तों, चावल, गेहूं, जौ, कपास। तो देखें दिख रहा होगा आपको, हाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ, चलिए फटाफट कमेंट करिए। चावल, गेहूं, जौ एवं कपास, वही शब्द जो प्राचीन इतिहास है उसमें किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, वही शब्द। तो बिना देर किए हुए इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं, ए सही है। वही शब्द जो है चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है, गेहूं के लिए गोधम प्रयोग हुआ दोस्तों प्राचीन इतिहास में, ठीक है, और जौ के लिए क्या प्रयुक्त हुआ, यव हुआ है, और कपास के लिए क्या हुआ, सिंडर। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दो पे। क्वेश्चन नंबर दो, सुलोमित की जीत था, सुलमित कीजिए प्लस कूटों के माध्यम से आंसर को करेक्ट कीजिए। तो ऑप्शन ए में, सूची ए में दिया है शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त और छंद, और ऑप्शन बी में दिया गया है सूची नंबर दो में दिया गया है ध्वनि शास्त्र, कर्मकांड, भाषा शास्त्र या छंद शास्त्र। तो बताइए कौन किससे मैच कर रहा है। चलिए कूट को हम देखते हैं, कूट आबासादा यानी ए लिखा गया है आबासाड़ा, फिर नीचे भी लिखा गया आबासाड़ा, एक दो तीन चार यानी शिक्षा का ध्वनि शास्त्र से है, बी का मतलब कल्पसूत्र का कर्मकांड से, निरुक्त का मतलब भाषा शास्त्र से, और छंद का मतलब छंद शास्त्र से। एक दो चार तीन यानी शिक्षा का ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र का कर्मकांड, निरुक्त का मतलब भाषा शास्त्र, निरुक्त का मतलब छंद शास्त्र, और छंद का मतलब भाषा शास्त्र। चलिए सामने देखिए, एक का दो शिक्षा का कर्मकांड, दो का एक कल्पसूत्र का ध्वनि शास्त्र, तीन का तीन निरुक्त का भाषा शास्त्र, और चार का चार छंद का छंद शास्त्र। ऑप्शन नंबर फोर्थ देखिए, एक का चार यानी शिक्षा का ध्वनि छंद शास्त्र, दो का तीन मतलब कल्पसूत्र का भाषा शास्त्र, तो सी का दो सही यानी निरुक्त का कर्मकांड, और ए का डी का फोर्थ सही यानी छंद का ध्वनि शास्त्र। चलिए बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। मित्रों इसका राइट आंसर बनाने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा तथा शेयर कर लीजिएगा, और जो नए व्यूअर होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ठीक है मित्रों। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आ सही यानी एक दो तीन चार। तो हम मैच करा लें एक लाइक फटाफट। शिक्षा जो है ध्वनि शास्त्र से है, कल्पसूत्र कर्मकांड से, निरुक्त का हमारा शब्द उत्पत्ति या भाषा शास्त्र से, छंद का छंद शास्त्र से, ठीक है मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है और काफ़ी जगह आपने देखा होगा। जो हमारे व्याकरण की अष्टाध्यायी बुक है उसको किसने लिखा है, गौतम जी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कपिल, ऑप्शन नंबर सी पतंजलि, ऑप्शन नंबर डी पाणिनि। तो बताइए आप लोग अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। देखिए दोस्तों, पतंजलि जी जो थे वो किसके हैं, योग दर्शन के संस्थापक हैं, ठीक है। गौतम जी जो हैं न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं, ठीक है। अब कपिल के आप बताइएगा, अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हों वो पाणिनि जी हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पाणिनि जी हैं। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। सबसे प्राचीनतम स्मृति के बारे में पूछा गया, यानी जो स्मृति है, मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति या पराशर स्मृति। बताइएगा आप लोग, कमेंट करिए फटाफट, प्राचीनतम स्मृति कौन सी है, मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति या पराशर स्मृति। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आ सही होगा, मनुस्मृति जो है हमारी प्राचीनतम स्मृति है, यानी जो हमारा राज्य नीति के बारे में सबसे पहले वर्णन कहाँ मिलता है, मनुस्मृति के बारे में, इसीलिए सबसे प्राचीनतम है। और कब लिखी गई थी, 5000 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। बढ़ेंगे मित्रों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि काव्य की संज्ञा
काव्य, यदि काव्य आदिकाव्य की संज्ञा किसे दी गई है? आदिकाव्य की संज्ञा, कुछ ग्रंथ के नाम दिए गए हैं, कौन सा ग्रंथ है जिसको आदिकाव्य की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए है रामायण, ऑप्शन बी है महाभारत, ऑप्शन बी है गीता और ऑप्शन डी है भागवत पुराण। तो चलिए बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, सही है, रामायण को आदिकाम कहा जाता है, ठीक है। अब महाभारत को क्या कहा जाता है? जय महाभारत को कहा जाता है जय संहिता, याद रखेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसको आदिकाव्य, ठीक है दोस्तों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीनतम पुराण है, सबसे प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। टोटल पुराणों की संख्या 18 है दोस्तों, और सबसे प्राचीनतम पुराण के बारे में पूछा गया, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। तो नंबर आप इसका याद रखेगा 18 टोटल होते हैं। सबसे प्राचीनतम जो पुराण होगा वो दोस्तों होगा मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण जो हमारा सबसे प्राचीनतम पुराण है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, सही है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सबसे पवित्र नदी किसे माना गया दोस्तों? सिंधु को, सरस्वती को, पुरुषाणी को, सूत्रादि को। तो जो हमारी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है उसका जो है उसको माना गया है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का वर्णन जो है ऋग्वेद के दसवें मंडल में किया गया है, ठीक है। सिंधु नदी का नाम जो है हमारे ऋग्वेद में 10 बार आया। पुरुषाणी को रावी कहते हैं, आज की आधुनिक नदी, और सूत्रादि को सतलज कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, मतलब जो इकाई थी क्या थी? कुटुंब या कुल, ग्राम, विष, जन। ग्राम बी में, विष सी में, और डी में जन। तो जो वैदिक काल की आधारभूत इकाई थी वो क्या थी, बताइए आप लोग। तो जिसका इसका राइट आंसर होगा ए, सही है, यानी वैदिक काल की जो वैदिक काल, ठीक है, उसकी जो आधारभूत इकाई थी दोस्तों वो क्या थी? कुटुंब थी, ठीक। ऋग्वेद काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी, ठीक है। जो मुख्य देवता था जिसकी स्तुति में, जिसकी मतलब याद में 250 सूक्तों की रचना की गई, इंद्र, ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी सूर्य। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए सही होगा, यानी इंद्र, कौन सा सही होगा? इंद्र, इंद्र जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद में सभा को नरिष्टि अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अलुंगनी कहा गया है, ठीक है। ऋग्वेद में, किस वेद में सभा को नरिष्टि अर्थात सामूहिक वाद विवाद को अलुंगनी कहा जा गया? किस वेद में कहा गया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वो किस वेद में कहा गया मित्रों? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा को क्या कहा गया? अलुंगनी कहा गया, अलुंगनी यानी अनुचित कहा गया, अनुचित बताया गया। किसको? सभा को, सभा को यानी नरिष्ठ, सभा को क्या कहते थे? नरिष्ठ, याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस स्थापना में नारी का सूरा और पासा की साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? यानी किस स्थापना में नारी का सुरा और पासा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? ऑप्शन ए मैत्रिणी संहिता, ऑप्शन बी जबाल उपनिषद, ऑप्शन सी सतपद ब्राह्मण, ऑप्शन डी छंदोद उपनिषद। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा इसका दोस्तों। किस स्थापना में नारी सुरा और पासा को तीन बुराइयों के साथ शामिल किया गया? तो इसका जो है ऑप्शन ए होगा, मैत्रिणी संहिता में नारी सुरा और पाशा यानी जो जुआ होता है उसको एक बुराई के रूप में देखा गया। किसमें? मैत्रिणी संहिता। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? किसको प्राप्त था? प्रजापति, इंद्र, विष्णु, और ऑप्शन नंबर डी रुद्र को। रुद्र जो भगवान शिव के रूप थे, तो ये पूछा गया है किस देवता को सर्वेष्ठ यानी श्रेष्ठता प्राप्त थी, सर्वोच्चता प्राप्त थी, कौन श्रेष्ठ था? तो उस समय जो है उत्तर वैदिक काल में ज़्यादातर पूजा किसकी हुई थी? प्रजापति यानी प्रजापति, ठीक है दोस्तों, प्रजापति को। ऋग्वेद में अघन्य बद्ध योग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था?
ठीक है, यो बद्ध योग नहीं, नहीं है यहाँ, नदी नहीं होगा, बद्ध योग नहीं है, थोड़ा सा टाइपिंग मेरे यहाँ नहीं है। तो कौन सी नहीं है बताइएगा आप लोग, ब्राह्मण, गाय, स्त्री, पुरोहित। बताइए दोस्तों, ब्राह्मण, गाय, स्त्री और पुरोहित। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गाय। गाय जो है इसका राइट आंसर होगा मित्रों, गाय को जो है बद्ध योग नहीं माना गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों गाय, गाय को जो है बद्ध योग नहीं माना गया है, गाय। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी देखें, सुमेलित करने को आया है। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन काफ़ी कठिन होते हैं और इसको हर एक कॉन्सेप्ट को हमें पता करना चाहिए, तब हम सही कर पाएंगे। देखिए, आ, बा, शा और दा भी होगा भाई, दा नीचे दिया गया। ये चलिए पहले हम आ को देखते हैं। राजसिव यज्ञ संबंधित है सूची ए में और सूची बी। राजसिव यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, ठीक है, और बाजवेय यज्ञ या फिर अरिष्टोम यज्ञ। तो चलिए बताइएगा, राजसिव यज्ञ राजा के सिंहासन रोहर से ए में दिया गया, राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु, दूसरा शौर्य प्रदर्शन व प्रजा का मनोरंजन ऑप्शन नंबर थर्ड, सोमरस पान तथा देवताओं को प्रसन्न करने को। अब इसका देखिए कूट दिया गया है, आभाषा नीचे भी आभाषा, यानी आ का एक, बी का दो, सी का तीन, आ का दो, बी का एक, सा का तीन, डी का चार, आ का एक, बी का दो, सा का चार और दा का तीन। दा में दिया गया है आ का फोर्थ, बी का तीन, सा का दो और दा का वन। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए नंबर सही है, यानी 1 2 3 4। चलिए 1 2 3 4 हम देख लेते हैं, यानी हमारा जो राशि यज्ञ है दोस्तों वो राजा के सिंहासन के लिए किया जाता है। अश्वमेघ यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए। आप लोगों ने महाभारत और रामायण वगैरह देखा होगा तो उसमें इन दोनों यज्ञों के बारे में वर्णन किया गया है, राशि यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ शायद हमें लगता है राजा दिलीप करते थे महाभारत में, और राशि यज्ञ जो है महाराजा युधिष्ठिर जो थे उन्होंने किया था राशि यज्ञ का आयोजन। ठीक है, राजा के सिंहासनारोहण, यानी जब राजा राशि यज्ञ कर लेगा तब सिंहासन पर बढ़ेगा। और अश्वमेघ यज्ञ का मतलब होता है राजशक्ति बढ़ाने के लिए, इसमें घोड़ा छोड़ा जाता था, यानी घोड़ा जहाँ तक जाएगा वो भूमि राजा की हो जाएगी। और बाजवेय यज्ञ का मतलब है शौर्य प्रदर्शन एवं प्रजा के मनोरंजन से था। और चौथा दिया है अनिष्टोम यज्ञ का मतलब प्रसन्न, अनिष्टोम यज्ञ प्रसन्न करने के लिए, सोमरस पान तथा देवताओं को प्रसन्न करना। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा आ सही। संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी, ए में दिया गया है 14, बी में दिया गया है 15, सी में 16 और डी में 18। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 16। टोटल संस्कार कितने थे हमारे प्राचीन काल में, 16। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुमेलित कीजिए। फिर सुमेलित करने के लिए आया, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्ष विवाह और प्रजात्य विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह, ब्रह्म विवाह, पुरोहित व प्रसमृत से मिले कन्या के विवाह, कन्या मूल रूप से एक जोड़ी गाय के साथ वैल चुकाकर किया गया विवाह, बिना दहेज का विवाह। तो चलिए कूट देखते हैं, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, और ऑप्शन लास्ट वाला है डी, व ए का 4, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए सही होगा, यानी ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति की कन्या से विवाह कर लेना, देव विवाह पुरोहित या परिश्रमी से मिले कन्या के साथ विवाह कर लेना, अर्ष विवाह कन्या मूल रूप से एक जोड़ी गाय व बैल चुका कर किया गया विवाह, प्रजात्य विवाह बिना दहेज का विवाह। तो याद रखिएगा यहाँ से किसी एक के बारे में फैक्चुअल के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता। अगला फिर सुमेलित कीजिए,
सुमेलित में देखिए, सुमेलित में सूची ए में और सूची बी, सूची ए में क्या दिया गया, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह या पाश्चात विवाह। बी में दिया प्रेम विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, पराजित राजा की कन्या के साथ विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या के साथ गुमशुदा कर विवाह। तो ए का वन, बी का टू, सी का थ्री, डी का फोर्थ। ए का वन, बी का दो, सी का फोर्थ, डी का थ्री। ए का टू, बी का वन, सी का थ्री, डी का फोर्थ। ए का फोर्थ, बी का टू, सी का टू थ्री एंड डी का फोर्थ। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। आ सही है, यानी ए का वन, बी का दो, सी का थ्री और फोर्थ का फोर। फोर्थ का फोर देख लीजिए, पश्चात विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर शादी कर लेना, राक्षस विवाह होता है, पराजित कन्या की कन्या, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह करना, असुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, और गंधर्व विवाह प्रेम विवाह कहलाता था। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति है, ऋग्वैदिक काल में जो मृदभांड मिले हैं उसका संबंध किससे है? गुरुवर्णी मृदभांड से, चित्रित धूसर मृदभांड से, और ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राष्ट्र ऑप्शन होगा करेक्ट दोस्तों, वो होगा गुरुवर्णी मृदभांड से। ठीक है, गुरुवर्णी मृदभांड, तो ये ओ यू पी, ओ यू पी, ठीक, और पी जी डब्लू, ओ यू पी, इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। अभी हमने ऋग्वैदिक काल देखा, अब उत्तर वैदिक काल का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नूरवर्णी मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, आ और बी सही या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो है चित्रित धूसर मृदभांड वो किससे सही है दोस्तों? उत्तर वैदिक काल से। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है, स्थल किस स्थान पर हाल ही में उत्खननों में प्रकाश में आया? तो स्थान का नाम देखिए, आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तनापुर, कुरुक्षेत्र। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? भगवानपुर में, ठीक है, भगवानपुर में क्या कौन सा आया है, क्या दिया गया है, पी जी डब्लू, यानी क्या कहने का मतलब क्या होता है, पी जी डब्लू, ठीक है, पिक्चर ग्रोथ वर्ड्स, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला बाल विवाह सूक्त किसमें पाया जाता? जो प्राचीनतम विवाह संस्कारों का वर्णन किसमें किया गया, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या गृहसूत्र में? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों कौन सा सही है? ऋग्वेद में, जो सूत्र का विवाह करने सूक्त की बात की गई है किसमें की गई है, किसमें की गई है वो ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 23, फिर अगेन सुमेलित कीजिए, सूची ए और सूची बी। सूची ए में दिया गया है संग्रहित, ए में संग्रहित, बी में भाग दूध, सी में छता या छत्र, और डी में दिया गया अक्षवाप। कोषाध्यक्ष सूची बी में प्रथम नंबर पे, दो नंबर पे कर संग्रहकर्ता, तीन नंबर पे पाशे के खेल में राजा का सहायक, और फोर्थ नंबर पे प्रतिहारी या राजा का सक्षम। चलिए कोड देखते हैं, ए का वन सही, बी का दो सही, सी का फोर्थ सही और डी का थ्री सही। ए का वन सही, दो नंबर पे दिया गया, ए का वन सही, बी का दो सही, सी का तीन सही और डी का फोर्थ सही। ए का वन, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का सेकंड, ये ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी, ए का टू, बी का वन, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो एक सही होगा, यानी संग्रहित कोषाध्यक्ष होता है, भागदूत कर संग्रहकर्ता, छत्र या छता पासे में राजा के सहायक होते हैं, और अक्षवाप क्या होते हैं, राजा प्रसाद का सक्षम होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रीति या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस देवता को रितस्य भोग कहा गया है? कौन सा देवता थे जिन्होंने प्राकृतिक संतुलन करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, वैदिक काल में उन्हें रितस्थ भोप कहा गया, किसे कहा गया? तो ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी सूर्य,
ऑप्शन डी विष्णु। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बताइए आप लोग फटाफट। तो जो इसका राइट आंसर है देख लीजिए ऑप्शन बी सही है, वरुण। वरुण को क्या कहते हैं, वर्षा का देवता कहते हैं, वर्षा का देवता वरुण को कहते हैं दोस्तों, वरुण को, ठीक है, वर्षा का देवता। ये प्राकृतिक संतुलन बनाने के लिए ऋषभ पोप कहा गया। दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देगा तथा शेयर कर देगा, और जो नए व्यूअर होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। कुछ देवताओं का नाम दिया गया जिन्हें हम समुद्र या जल देवता किसे कहते हैं, इंद्र को, अश्विनी को, वरुण को या मित्र को। बताइएगा, कमेंट करिए आप लोग, क्या इंद्र हैं, नासात यानी अश्विन, या फिर वरुण या फिर मित्र। तो इसका जो सही है यानी वरुण को जल देवता कहा जाता है यानी बारिश का देवता। तीन कयो यानी पगों में तीनों लोक माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया, किसे कहा गया था दोस्तों, सूर्य को, शवित्र को, मित्र को या विष्णु को। तो विष्णु को कहा जाता है, ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं। इन्होंने क्या किया था राजा हरिश्चंद से, ठीक है, उन्होंने उसकी दान की कहानी सुन के उनसे जो है तीन पग जमीन मांग लिए थे, तो राजा हरिश्चंद थे, तो वो काम किसने किया था, राजा विष्णु जी, भगवान विष्णु जी ने। क्वेश्चन नंबर 27 है, सुमेलित करना है, ऑप्शन सूची ए और सूची बी। सूची ए में पूषण, ए में पूषण, बी में रुद्र, सी में हौश या हो और डी में अदिति। सूची दो में विवाह का देवता, ए में विवाह का देवता, दो में पशुओं का देवता, तीन में जगत का पिता और फोर्थ में देवों की महान माता। कूट देखते हैं, ए का वन सही, बी का दो सही, सी का तीन सही, डी का फोर्थ सही। ए का दो सही, बी का दो सही, बी का वन सही, सी का तीन सही, डी का फोर्थ सही। ए का वन, बी का दो, सी का चार, डी का थ्री। ए का फोर्थ, बी का दो, सी का तीन और डी का फोर्थ। तो जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों देखिए बताइए इसका, पूषण, रुद्र, हो या आदिति, विवाह का देवता, पशुओं का देवता, जगत के पिता या देवों की महान माता। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए सही होगा। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको फैक्ट में। पूषण जो है विवाह के देवता हैं, रुद्र जो है पशुओं के देवता हैं, हो या जगत के पिता कहते हैं हौश को, आदिति जो है देवों की महान माता कहा जाता है, देवों की महान माता आदिति को कहा गया है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के तरफ, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है। तो अभी हमने देखा समाज व्यवस्था, कानून व्यवस्था या अर्थव्यवस्था। तो मनुस्मृति दोस्तों संबंधित है समाज व्यवस्था से, इसमें ऑप्शन नंबर डी नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर अगर समाज व्यवस्था से मनुस्मृति संबंधित है, कब लिखी थी, 5000 ईसा पूर्व। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने, परीक्षित ने। बताइए आप लोग फटाफट, गायत्री मंत्र के जो रचनाकार हैं वो कौन है, विशिष्ट हैं, विश्वामित्र हैं, इंद्र हैं या परीक्षित हैं। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से, ऋग्वेद से, ठीक है। तो इसके रचनाकार कौन थे दोस्तों, वी सही है, विश्वामित्र। कौन है, विश्वामित्र, जो देवताओं के देवता वो के क्या होते हैं भाई, ये देवताओं के जिसको कहते हैं काष्ठ कला के प्रधान होते हैं, जो देवताओं के रचनाकार थे, तो विश्वामित्र। तो आज के दोस्तों कैसा लगा क्वेश्चन, ये 29 क्वेश्चन थे आज 29। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करेगा तो अपने मित्रों में शेयर कर लीजिएगा, जो नए व्यूअर होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, PBR चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।